और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। और आप देख सकते हो सुबह 4 बज चुके हैं और कोई उठने को तैयार नहीं है। 16 बंदे हम लोग जा रहे हैं मुंबई के लिए और घर का ये हाल है। एक गर्मियों के कपड़े निकाले गए थे कि चलो थोड़ा सा अलमारी ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी अलमारी तो ठीक हो चुकी। अलमारी ठीक करते करते फिर सलून भागो, लोग कहते हैं मैम आप आए नहीं, उनको क्या बोले, घर के काम ऐसे पड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात है मैं सो के उठी, मुझे पता है मेरा मुँह चमक रहा होगा, पता है बहुत अच्छा। आओ यार आपको दिखाती हूँ, आ जाओ ये देखो ये क्या चप्पलें का है बेटा, मेरे पास लेडीज स्लीपर है अगर आपको पहननी है तो। ये देखिए हमें तैयार हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, ये क्या लेके आ रहे हैं हम? चाय। क्या यहाँ तो 16 लोग हैं, आप तो एक ही कप लाए हो? अरे सब के लिए चाय भी आ रही है। अच्छा फिर ठीक, 3 लीटर मतलब दूध में क्या आपने अपने लिए चाय नहीं बनाई? यस मैम, सबके लिए बनाई है। बनाओ। तो ये गाइस टाइम हो चुका है 4:17, बट हमारा थोड़ा सा स्टाफ है जो उठने को राजी नहीं हो रहा है। चलते हैं एक बार उनके पास, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। ये देखो लाइट तक ऑफ कर रखी है इन लोगों ने, इनको कोई वो होश नहीं है। ये कहाँ है? फाइनली मुझे यहाँ कोई नहीं मिला, देखते हैं शायद उठ गए हैं अभी ये सब, इधर उधर हो गए हैं। बट रात में आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ बट प्यारे के साथ नींद पूरी नहीं हुई हमारी। चलते हैं नीचे भी, करते हैं ब्रश एंड देन निकलते हैं मुंबई के लिए। क्या हो गया मैम सुबह सुबह? देखो पहले तो थायराइड है, फिर उसके बाद डायबिटीज़ है, उसकी मेडिसिन नहीं मिल रही, फिर उसके बाद बीपी, और फिर ये पता नहीं कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन, मतलब मेन दवाई जो मेरी है फाइनली नहीं मिली, बहुत ही बड़ी व्यस्ती है। अब क्या करें, टाइम नहीं होता। लोग कहते हैं ओ मैम बड़ा एटीट्यूड है, आप हमारा फोन नहीं खाती, बड़ी एटीट्यूड है तुम्हें। यहाँ पर दवाइयाँ खाने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, एक ही मिली है हमने दे के। अभी देखो जल्दी जा रहे हैं, पता नहीं है कब कैसे क्या हो जाए। तो सबको जाना है अलग अलग, इनको जाना है अलग, उनको जाना है अलग, उनको जाना है अलग। आप कितनी बार फ्लाई किए हो? पहली बार? आप इतना चेक इन हो गया इतना। मैंने कहा भाई तुम सही हो, चलो तो ठीक है अभी हम स्टार्ट करें जाना। और ओला बुक कराए कैसे जाएंगे, कैसे बैग करेंगे बताओ। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 16 और 16। ओह माय गॉड, मैं लाइफ में पहली बार इतना बड़ा ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा अपना ग्रुप, मेरा अपना जॉय। तो गाइस निकल पड़े हैं हम मुंबई के लिए और ये मैम की गाड़ी जा रही है और हम पीछे वाली गाड़ी में, सो चलते हैं देखते हैं कैसे क्या है। और अभी दो बंदे और आ गए थे जो हमारे यहाँ के मेन है, आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरी मम्मी। और मेरी मासी स्पेशली आई है पंजाब से, अभी मैं भी देख कर रहा हूँ जरा ये कर क्या रही है। ये दो बंदे अभी भी हमें यहाँ पर पाए गए हैं, और जैसे यहाँ पर पाए गए हैं तो इनको हमें साथ में उठा लिया, और एक बंदा और पाया गया बट वो थोड़ा छुप रहे हैं क्योंकि वो हमेशा छुपता रहेगा। अरे वाह, और आप यूट्यूब में भी आ गए, आप यूट्यूब में भी आ गए, इतना सारा सामान लाइफ में पहली बार ऐसे हुए हैं कि ये मत करो, ये 1 किलो करो, ये 0.1 करो, इसको बाहर निकालो, इसको अंदर करो, यहाँ पे रखो, ये करो वो करो। लाइफ में पहली बार इतने बुरा हाल हुआ है, इतने बंदे होने के हाथ में भी, इतने बंदे पता हम लोग 16 और 17 बंदे होने के बाद में भी हम सामानों से ऐसे हो रहे हैं। 1 किलो और 1 किलो और धनिया हरी मिर्ची देते, धनिया हरी मिर्ची देते। और फाइनली हम लोगों ने एंटर कर लिया। लाइफ में इतना ट्रैवल की है, 5 पासपोर्ट फुल हो गए, और पहली बार ऐसे लगा है कि ये क्या हो गया। लक्ष्य घर का काम करने के लिए हम कहीं नहीं जा सकते, वॉकी टॉकी रोक लिया, उसके चक्कर में मेरी वजह से फ्लाइट लेट हुई है और सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। और वो मुझे बोलते हैं, मुझे बोलते हैं इनका लेवल 4 है, मुझे क्या होता है लाइफ पहली बार पकड़ा उसने, मुझे बोलते हैं लेवल 4 का मतलब क्या होता है, मैंने कहा हम तो बड़े हाई लेवल के हैं, लेवल 4 मतलब एंड में जाकर पकड़ा। तो वॉकी टॉकी के चक्कर में जब पकड़ा तो चक्कर में फ्लाइट हो गई है, और अभी जल्दी पहुँचना है, और अभी जाकर नाश्ता भी करना है, खाना भी है, और तैयारियाँ भी करनी है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम के लिए हेयर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई। ये देखो थेरेपी,
थेरेपी मम्मी की थेरेपी 6 महीने पहले, आप लोग बैठो, मास्टर की थेरेपी 6 महीने पहले, तो ये आए हुए हैं वाइटनिंग नकल फेशियल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे खुद अपने प्रमोशन कर रहे हैं। क्या हो रहा है पता नहीं है, मैं लाइफ में पहली बार बैठी हूँ, मैं वहाँ पे थक गई, इन्होंने कहा इन पर आपको गाड़ी करके ले रहे हैं आप जाओ, बहुत परेशान और हम ये देखो फैन भी मिल गया गाड़ी पे। सो बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस, बट जा रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। और ये मैम को देखो, मैम बुला रहे हैं, बट स्टिल चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है हमारा इवेंट। यहाँ तो गर्मी लग रही है, यहाँ पर अंडे बाहर को ऐसे उबलेंगे प्रिच प्रिच। यहाँ पर बॉइल्ड एग कैसे खाते हैं पता है, अंडा बाहर का आधे घंटे में खा लिए। ट्राई करते हैं एक बार हम भी। आज नहीं खाएंगे। तो ऐसा लग रहा है हीटर चल रहा हो, कैसा लग रहा है हीटर? बहुत ऑफ, पता है ना सेलिब्रिटी रहते हैं जाते ही फटाफट भागना पड़ेगा, 11:30 हो चुका है, 1 बजे तक हमें तैयार होकर फटाफट पहुंचना है। और कितनी खुशी हो रही है, कितना प्यार, कहां कहां से लोग आए होंगे। एक बोल रही 1800 किलोमीटर से आ रहे हो, कोई 500 किलोमीटर से, और आपको थैंक यू सर आई सफी। फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे यार, बट कह रहा हूं बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं सहा जा रहे। देखो लोकेशन देखो आप, और ये कड़कती धूप जो हमें नहीं देख पा रही है। मैम अंदर चले गए हैं, मैं अभी मिलवाता हूँ आपको, देखते हैं कैसा क्या है। गाइस मैम खो गए हमें, मैम नहीं मिल रहे हैं, मैम कहाँ हैं यार, फिर भी हम देख रहे हैं, लेट्स सी कहाँ हैं मैम। मिल रहे थे, फाइनली मिल गए, और फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और अभी 1 घंटे में तैयार होना है खाना खाना है। कहाँ पर? अरे वाह अरे वाह, अभी तैयार होंगे, ऐसा नहीं होता देश के लिए, दूसरे शहर में आए हैं हम। और हम रेडी हो चुके हैं, और इतने लेट हो चुके हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी मिलाकर फेशियल कराया हुआ है, अरे वाह, और वो इतने खुश हैं, अरे वाह, तो ऐसे लोग आए हुए हैं, खाना पीना सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। पहुँच चुके हैं कहाँ पर, और अभी इसी में 2-3 क्लाइंट्स आ चुके हैं, उनका फेस से जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि कितना प्यारा है, सबसे पहले मिले हैं, और अभी हम सब तैयारियाँ कर रहे हैं, और ये देखिए सब तैयारे हो चुके हैं। सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे लंच, लंच के बाद में आई टी के साथ में 70 क्लाइंट। एक क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ? अगर सबने किसी भी एक बंदे ने सच बताया तो मेरे तरफ से अच्छा थैंक यू जी, एक एक करके प्लीज। अरे यार मेरे बड़े खुश हो यार, थैंक यू जी मासी, हम तुम ही करा लें, देख लें जवाब अभी है, मेरी मासी भी आई है, मम्मी भी आई है। Yes. I have rheumatoid arthritis. मैं जिसके बारे में जो आपके सामने है जो बोलती हूँ देखो वैसे ही है। आई रियली रियलाइज मुझे 2-3 दिन पहले ही आपके बारे में पता चला, और मेरे का प्रोडक्ट में दम नहीं है, कभी कभी किसी के ऊपर एक ब्लेसिंग्स होती है कि तुम छूट हो गए, और मेरे ऐसे बोला जैसे हड्डियां टूट गई थी, आर्थराइटिस है। तो अभी सुनो ना, अभी हाथ बोल लो ठीक हो जाए। कभी आपके साथ में ऐसे हुआ कि ऐसे हेयर ट्रीटमेंट कभी कोई किसी ने ऐसे आगे कभी दे रही थी? और जेन्युइन कितना अच्छा लग रहा होगा, और इनको देखो, इन्होंने 10 महीने पहले करवाया था मिराकल फेशियल, बिफोर दिखाना अपनी बिफोर की फोटो देखी, और इतने स्वीट हैं, इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं, थैंक यू। अरे यार देखिए दिखाना, ये देखिए, और आज देखिए, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे प्यार इतना बड़ा है कि जो लोग हमसे वैसे काम करवाते हैं स्पेशली मिलने के लिए आए हैं, और 100 लोगों को ये दिखा रहे हैं, दैट आई एम सो हैप्पी, मतलब इतनी खुशियाँ, इतनी खुशियाँ। यहाँ पर चल रहे हैं बैक टू बैक, सब फोटो आ सकती है, और यहाँ चल रहे हैं ट्रीटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ आ जाओ, ये भी है आपसे हेयर 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 लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे फॉइल में पैक हो गए, रोटियाँ पक रही हैं इनकी,
तो किसी का पराठा पक रहा है और किसी की चपाती पक रही है और इसको कुछ जा रहे हैं इधर 4967 जैनवन ये बताना आज तक अगर आप 100 सलून गए हो चलो हम किसी की बुराई क्या करेंगे आपको यहाँ पर आकर कैसे लगा जैनवन बताना वी आर फीलिंग वेरी लाइवली वाइब्रेंट एंड द स्टाफ इज वेरी हेल्पफुल वेरी वार्म वेरी वेरी वार्म कभी ऐसे किसी ने हेयर ट्रीटमेंट कराया कहीं पर कितना प्यार होगा मुंबई वालों से लेकर जो मैं यहाँ पर आई हूँ लेकिन अब हमारा प्यार आपको खींच लाया है सुबह से लिया और सबके लिए चाय वाय सब आएगी प्लीज है हम वहाँ पर भी खिलाते हैं हम यहाँ पर भी खिलाते हैं 99% रिजल्ट आया 80% हेयर फॉल था एक भी नहीं है आपको चेक करना है चेक करना है आपको चेक करना है आपको चेक करना है आ जाओ आपके हिसाब से अभी अपन हेयर कैसे लगाओगे 80% का मतलब एक यस यस नहीं है सौ में से कितना नंबर लेके आना अरे वाह अरे वाह अब इनका हेयर का रिजल्ट इनके हिसाब से इनका हेयर का रिजल्ट इनके हिसाब से हमने अपने हेयर को पहले कितना खराब किया बट हेयर फॉल नहीं होगा नहीं होगा ये रिजल्ट इनकी वजह से अच्छा है आज के बाद जब तक का स्प्रे हैवी शाइनिंग हैवी 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 घर पर हर महीने इतना का कि अगर तीन ट्रीटमेंट किया परसों शाइन आएगी सेम जैसे हेयर फॉल नहीं हुआ आपका हेयर सेट करें और हेवी कितना लग रहा है हेवी काफी काफी अब ये रहेगा फास्ट स्प्रे फास्ट स्प्रे सब करें घर पर करें बाहर जाके कुछ भी पैसे खराब ना करें आज तो मैं भी हेयरड्रेसर बन गया हूँ प्रॉपर वाला कभी ड्रायर कभी कुछ मतलब ऑलराउंडर हो गया है आज अभी भी देख सकते हो कितने सारे क्लाइंट हैं अभी भी अभी भी काम चल रहा है 12 बज चुके हैं खाने को टाइम नहीं है टांगे दर्द हो रही हैं कल से नहीं 15 दिन से सोए नहीं है बिना खाने के सो रही हूँ मैं ओके बाय तो ये था पार्ट 1 मुंबई का प्यार और मुंबई का प्यार कल फिर मिलेगा जल्दी तो मैं भूखे पेट सो रही हूँ क्योंकि खाना खाने का टाइम नहीं है मैंने आ गया थैंक यू